हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? वो टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं सब्सटेंस, सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम आ जाता है। सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म सब्सटेंस, सेम वेपर प्रेशर, इनका सेम वेपर प्रेशर होता है। ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीज करते वक्त जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब उनमें इक्विलिब्रियम आता है वो होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि अगर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ देखें, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले है हमारे पास सॉल्वेंट। देखिए, लिक्विड सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, जबकि सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम थोड़ा लेट आता है। वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर का, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पे वो फ्रीज होता है जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का फेस इक्वल होता है, तो इसमें सॉल्यूशन के केस में लो टेम्परेचर होता है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। सॉल्वेंट का तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो है बी, जबकि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये होता है, ये है हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये जो है, ये जो चीज है, ये जो कर्व है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है जहाँ पे उसमें इक्विलिब्रियम आया, ये सॉल्यूशन का है जहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया। यहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये जो ग्राफ होता है इसका, ये जो हमने सॉल्वेंट का ग्राफ लिया है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन चीजें जो आप बाहर से खरीदते हो, जमी हुई चीजें जो फ्रीज की होती हैं वो वाली, ये चीज होगी। लेकिन सॉल्यूशन का जो जो इक्विलिब्रियम होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो होगा ई पॉइंट। ए से बी तक तो सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम आ गया, बी तक, उसके बाद वो फ्रीज हो गया, सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे आया। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग किसका, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का टी नॉट एफ होगा, जबकि सॉल्यूशन का टी एफ होगा। इन दोनों में जो चेंज होगा वो होगा डेल टी एफ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किया था, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे डेल टी, यानी कि जो टी एफ होगा, टी एफ इस टाइम पे जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डेल टी एफ होगा, यानी इन दोनों के बीच में चेंज इन डेल टी एफ इज इक्वल टू होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ के, यानी टी नॉट एफ माइनस टी एफ के, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डेल टी एफ से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि टी नॉट एफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टी एफ जो कि सॉल्यूशन का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की एक सोल्यूशन में कितनी है। तो इस तरह उसकी जो मोलैलिटी है उसे m से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने बॉइलिंग में किया था वही चीज है। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम के इक्वल होगा। के एफ जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट होता है, जिसे मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बोलेंगे इस केस में, और या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। और जो स्मॉल m है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा मोलैलिटी को, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और अगर m1 है
तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ के इक्वल आ जाएगा। ये सेम वही है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, वो एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है? जब मोलालिटी जो होती है सोल्यूशन की यूनिटी में होगी, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जो मोलालिटी है सोल्यूशन की वो यूनिटी में होगी, यानी कि वन वन मोल ऑफ सोल्यूट को हमने डिजोल्व किया है 1 kg ऑफ सोलवेंट में। तो जो यूनिटी है के एफ जो हो के एफ को वो डिग्री पर मोलालिटी लेंगे, डिग्री पर मोलालिटी यानी के अपॉन एम से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें मोलर डिप्रेशन की, मोलर डिप्रेशन तो के एफ किसके इज इक्वल टू आएगा, के एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ के। पिछले लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एल वी लिया था, अब क्योंकि वेपर्स की बात कर रहे थे बॉलिंग में, यहाँ पे फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो एल एफ ले लिया। तो एल एफ इज इक्वल टू जो होगा वो इज इक्वल टू होगा डेल एफ एच अपॉन एम वन के। अब यहाँ पे टी नॉट क्या है, टी नॉट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का यानी कि प्योर सोलवेंट का, और एल एफ क्या है, एल एफ जो कि लेटेंट हीट होती है फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सोलवेंट की, लेटेंट हीट फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सोलवेंट की। और यहाँ पे डेल एफ एच क्या है, डेल एफ एच है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सोलवेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सोलवेंट। और एम वन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो के एफ इज इक्वल टू एम वन ऊपर चला जाएगा, एम वन आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल फ्यूज एच आ जाएगा। तो ये जो होती है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट होता है फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से हमने लिया है। नेक्स्ट है मोलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। जो मोलिक्यूलर मास होता है सोल्यूट का, हमने डिजोल्व किया है एक पर्टिकुलर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, तो डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ सोल्यूट मोलिकुलर मास है एम टू, जिसे हमने डिजोल्व किया है डब्ल्यू वन ग्राम ऑफ सोलवेंट में, यानी कि जो मोलालिटी होगी m इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू 1000 अपॉन डब्ल्यू वन। और डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम के इक्वल था, m की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो m2 यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, m2 क्या आ जाएगा 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू वन, यही इक्वेशन आएगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को, सोल्यूट का निकालना था ना हमने मोलिकुलर मास, तो उसका हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखिए जो कार्स होती हैं वो सब जीरो यानी कि जीरो डिग्री है उससे कम पे रन करती हैं, ठीक है, एक ऐसे एरिया जहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे कम है। तो कभी कभी जो रेडिएटर होता है उसमें वाटर तो होता है लेकिन वो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है 273 केल्विन टेम्परेचर से नीचे फ्रीज हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए ताकि वो फ्रीज ना हो, क्योंकि अगर ऐसा वो फ्रीज होने लग जाएगा तो उसमें कभी कभी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग आ जाती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग आ जाएगी। तो ताकि वाटर में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग ना आए तो उसके लिए उसे उसमें एक सुटेबल सॉल्यूट डाल दिया जाता है, सॉल्यूट यानी कि इथाइलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं जिसे कि एंटी फ्रीज कहते हैं, जिसे वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। तो ये क्या करता है, एंटी फ्रीज का काम करता है। इथाइल ग्लाइकोल क्या करता है, इथाइलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज का काम करेगा। तो ये ज़्यादातर समर्स में यानी कि इथाइलीन ग्लाइकोल जो होता है समर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, समर्स में इसका इस वजह से यूज़ किया जाता है ताकि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया जा सके वाटर के, और एंटी फ्रीज जो एडवर्टाइजमेंट है उनसे उन्हें क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इसे बॉयल ओवर कहते हैं, जब समर में इसको डालते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए, इसे बॉयल ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है।
जैसे समर में विंटर्स में क्या होता है, जो हिल स्टेशंस होते हैं उसमें स्नो पड़ती है। बहुत ज़्यादा स्नो पड़ने से क्या होता है कि रोड जो होती हैं वो जाम हो जाती हैं। उसके लिए NaCl या CaCl2 यानी सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जो कि कॉमन सॉल्ट है, NaCl कॉमन सॉल्ट है। उसे क्या किया जाता है, रोड पे डाल दिया जाता है। ये NaCl क्या करता है, आइस को मेल्ट करता है। ये जो सॉल्टेड आइस होती है वो क्या हो जाती है, वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो इस वजह से वो आइस को मेल्ट कर देती है। और इस वजह से NaCl का यूज़ किया जाता है, आइस जो रोड पे जो आइस होती हैं उन्हें पिघलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें फ्रीज ना हो, वहाँ पे आइस ना जमे रोड पे और रोड जाम ना हो। तो ये होते हैं हमारे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।